नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऑटो एंसिलरी स्टॉक की। इस स्टॉक का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटो कंपोनेंट्स, मेनली कंट्रोल केबल्स, स्पीड केबल्स, ऑटो लैम्प्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स पे इसका मेन फोकस है, कंट्रोल केबल्स, स्पीड केबल्स और ऑटो लैम्प्स पे हैं। और ये बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको बेचते हैं। अगर आप शेयर की मार्केट कैप देखेंगे तो 2875 करोड़ की है। करंट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ नाउ अराउंड 198 है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं 250 और 146 का। बुक वैल्यू 59, स्टॉक का पी अप्रॉक्सीमेटली 19 का। डिविडेंड यील्ड आरओसी आप देख सकते हैं 20 के ऊपर, आरओई भी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 3 साल की कंपनी की अच्छी है। अब हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। क्वार्टरली कैसा इन्होंने परफॉर्म करा है, तो यहाँ पे इनके सितंबर 2019 के रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे इनकी जो सेल्स आई है अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ की आई है, 360। अगर हम इसको लास्ट साल से कंपेयर करें 360 एंड 390, तो सेल्स में कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। मार्जिन्स अगर हम देखते हैं तो मार्जिन्स भी स्टेबल हैं 14-15% के बीच। इनकी अदर इनकम भी अच्छी हो रही है और चीज़ें स्टेबल लग रही हैं। आप देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट 42-25। तो जो इस बार ये 45 आया है वो बेसिकली इनके टैक्स कट के बेनिफिट की वजह से आया, लेकिन ये आगे भी ये बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये हम देख सकते हैं कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर में ये कंपनी जनरली अच्छा करती है। तो उम्मीद है कि दिसंबर और मार्च में इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें ये हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से भी 20-30% का अपसाइड हमें देखने को मिले। तो अगर पिछले साल इन्होंने 40 करोड़ जैसा करा था, तो हो सकता है इस साल केवल टैक्स बेनिफिट की वजह से ही 50-50 करोड़ जैसे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले। तो पूरे साल के हमें उम्मीद है कि 172-180 करोड़ जैसा ये प्रॉफिट कर पाएंगे। और जो इनकी मार्केट कैप है वो 2800 करोड़ है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 180 से, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 16 के पी पे ये स्टॉक अवेलेबल है हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से। अगर हम इनको और इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं, तो हम एक चीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि इनकी जो इक्विटी है वो केवल 14 करोड़ की है, और जो इनके रिजर्व्स हैं 820, बोरोइंग्स 300 करोड़। तो 300 करोड़ का लोन है बेसिकली। लेकिन अगर हम 300 करोड़ के लोन के सामने देखते हैं, तो हमें 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी दिखाई देता है। तो नेट डेट जो है वो 314-240, यानी कि केवल 64 करोड़ का है। इन्होंने एक्चुअली यूएस में 2016 में एक और ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था वेबसॉल। उसके लिए इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन डॉलर्स में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, और हाफ ऑफ इट वाज फंडेड बाय डेट। तो उसकी वजह से इनको थोड़ा डेट लेना पड़ा था, लेकिन अब ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है धीरे धीरे। तो हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे, हमें डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सेल्स भी बढ़ के ही आ रही हैं, तो कंपनी में प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि शेयर प्राइस काफ़ी डाउन है इसका ऑल टाइम हाई से। अब हम देखते हैं कि रिसेंटली एक इनकी जो रिपोर्ट आई थी जिसमें इनकी रेटिंग्स को फिर से अफर्म किया गया था, तो रेटिंग्स इनकी देख सकते हैं आप, स्टेबल, रीअफर्म्ड, डबल ए एंड ए प्लस। तो इनकी रेटिंग्स स्टेबल चल रही हैं सब, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बैंक फैसिलिटी सबको मतलब ए प्लस या डबल ए जैसा इनको रेटिंग मिला है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके पॉजिटिव्स एक बार अगर हम देखते हैं, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिस्क प्रोफाइल है, इस्टेब्लिश मार्केट पोजिशन है, कस्टमर बेस है। तो रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, कस्टमर बेस अच्छा है, मार्केट पोजिशन अच्छी है, ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। साथ ही साथ इन्होंने अच्छी ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है। हम देख रहे हैं काफ़ी क्वार्टर्स से 14-15 की रेंज में है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं ये इसी रेंज में इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स बनी रहेंगी। अब इसमें एक और पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इनका नारसापुरा और
दोडाबल्लापुर यानी कि कर्नाटका में, नरसापुरा और दोडाबल्लापुर में दो नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, टू न्यू फैसिलिटीज़ इनकी आ रही हैं जो कि आगे रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाएंगी या रेवेन्यू को बढ़ाएंगी। तो हमने देखा जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है वो आगे भी इसी तरह से अच्छी रहेगी। हमने देखा लास्ट 3 साल में भी ये 19-20% जैसी रेवेन्यू ग्रोथ कर पा रहे हैं और ये हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छी करेंगे क्योंकि इनकी नई कैपेसिटी आ रही है और वो 2020 में ही ऐड हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने के बाद, एक्विजिशन करने के बाद भी इनका डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इम्प्रूविंग वॉलेट शेयर विद की कस्टमर्स यानी कि कस्टमर्स से ही अब ज़्यादा पैसे ले पाएंगे और इनकी पेनिट्रेशन भी अच्छी हो जाएगी डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में और अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है ओवर मीडियम टर्म। और साथ ही साथ हमने जो इनके वेस्कॉन, हमने कहा था वेस्कॉन कंट्रोल लिमिटेड जहाँ पे इन्होंने स्टेक खरीदा था 2016 में, बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में एक कंपनी काम करती है और इसके पास भी अच्छे क्लाइंट्स हैं। इसके मेजर क्लाइंट्स हैं टोरो, होंडा और जॉन जॉन डेरे, जिसके मेजर क्लाइंट्स हैं। और ये क्लाइंट्स में अब सुप्रजीत इंजीनियरिंग भी सप्लाई कर सकती है अपने बाकी प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा कि कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव से और इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ ऑपरेशन लीडरशिप पोजीशन इन केबल, तो इस वजह से हमारी जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो 16-17% रही। और जो वेस्कॉन है वहाँ पे भी हम अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला था इस साल। तो हमने काफ़ी कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स लिए कंपनी ने और उसकी वजह से जो इन्होंने कंपनी खरीदी थी वेस्कॉन, वहाँ पे भी ये टर्न अराउंड कर पा रहे हैं। तो कंपनी के आप देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव्स है फंडामेंटली, जो कि हमें लगता है इसके प्राइस को आगे ड्राइव करेंगे। न्यू कैपेसिटीज़ आ रही हैं, पुरानी कैपेसिटी जो ली थी वहाँ पे भी टर्न अराउंड हो रहा है, जो एक्विजिशंस करे थे वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है और मार्केट में भी इनका अच्छा नाम है, अच्छी लीडरशिप पोजीशन बनाए हुए हैं ये। आप देख सकते हैं स्टैब्लिश मार्केट पोजीशन इन मैकेनिकल कंट्रोल केबल ऑटोमोटिव लैंप सेगमेंट। तो मैकेनिकल कंट्रोल केबल और ऑटोमोटिव लैंप सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनको केवल क्या प्रॉब्लम है, वोलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल एंड साइक्लिकलिटी। तो आप देख सकते हैं ऑटोज में साइक्लिकल डाउनटर्न चल रहा है इंडिया में और ऑटो की बिक्री कम हो रही है, इस वजह से इनके रेवेन्यू पे असर पड़ रहा है। अदरवाइज कंपनी अच्छा कर रही है। और सेकंड आप देख सकते हैं इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं यानी कि जैसे कि स्टील वगैरह, उनके प्राइस हाई जाने से इनको थोड़ा सा नुकसान होता है, तो वो इनकी रेटिंग में दो ये कंसर्न मेन है। अदरवाइज कंपनी इन जनरल अच्छा कर रही है। और इनकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स हैं वो भी स्टैब्लिश मार्केट पोजीशन, हम ये बात कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि अच्छी इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, 17-18% इनके मार्जिन्स पर आते हैं। अच्छी रिस्क प्रोफाइल है यानी कि ज़्यादा डेट भी नहीं है और कंपनी के पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, इनकी नेटवर्थ भी अच्छी है। वीकनेस क्या है, मॉडरेट परफॉर्मेंस ऑफ एक्वायर्ड है, जो इन्होंने वेस्कॉन खरीदी थी उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अभी मॉडरेट है। वेस्कॉन का टर्न अराउंड हो चुका है 2019 में, लेकिन वो टर्न अराउंड क्यों हमारा इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टील की इनपुट मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ने की वजह से हम जो वेस्कॉन का टर्न अराउंड है उसको, उसके विजिबल रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई। तो जैसे ही स्टील के प्राइसेस थोड़े नरम होंगे तो हमें इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट वही है कि इनका जो रॉ मटेरियल है और जो साइक्लिकलिटी है इनके एंड यूजर्स यानी कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में जो साइक्लिकलिटी है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकली ये शेयर क्या कर रहा है। टेक्निकली भी ये शेयर आप देख सकते हैं तो एक बहुत लंबे डाउन ट्रेंड में, यानी कि 2018 की शुरुआत से, जनवरी 2018 से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और रिसेंटली इसने उसको निकाला है डाउन ट्रेंडिंग लाइन को। जैन 18 से ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन है, हमने जो पैरेलल चैनल्स खरीदे हैं खींचे हैं और ये 200 DMA लाइन है। इसने स्टॉक ने एक बार, आप देख सकते हैं कितनी बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया अपने 200 DMA पे और फिर ये टूट के दोबारा से नीचे गया है और फिर ये दोबारा यहाँ पे आके इसने कोशिश करी, लेकिन उसके बाद ये इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा अपने डाउन ट्रेंडिंग चैनल के थ्रू। तो सिमिलरली हमने देखा है अब की बार इसने अपना 200 DMA
और डाउन ट्रेंडिंग चैनल दोनों का ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है और अब ये स्टॉक दोबारा से अपने 200 डीएमए को टच करने को आ रहा है। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 198 है, इसका 200 डीएमए 194 है। तो आप देख सकते हैं 194 या 191 से 185 इसका एक्युमुलेशन जोन होगा अच्छा, जो कि जोन होगा हम देख सकते हैं ये वाला। तो ये जो जोन है 191 से 185 ये इसका अच्छा एक्युमुलेशन जोन होगा। यहाँ पे हम इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं बेसिकली 190 से 185 की रेंज में, और इसका जो स्टॉप हम लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे यानी कि 166 यानी कि 165 के लेवल्स पे। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 पॉइंट्स का स्टॉप होगा। जो स्टॉक का इमीडिएट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 246 के लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें 190 से अप्रॉक्सीमेटली 56 या 60 पॉइंट्स मिल सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट इसका 287 तक हो सकता है, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट्स और यानी कि हम 96 पॉइंट्स जैसे मिल सकते हैं। उसके लिए अगर हम थोड़ा सा और डीप स्टॉप रख सकते हैं वो 147 के करीब होगा, तो 147 से 187 तो हमारा स्टॉप जो हो जाएगा 40 पॉइंट्स का हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा 96 पॉइंट्स का। और जब हम रिस्क ले रहे हैं केवल 25 से 20 पॉइंट्स का तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो हो जाएगा 50 पॉइंट्स का। तो 1:2 के उसमें रिस्क इज टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। फंडामेंटली भी हमने देखा कंपनी अच्छा कर रही है, जो इन्होंने कंपनी खरीदी थी वेस्कॉन वो टर्न अराउंड करी है, साथ ही साथ दो न्यू फैसिलिटीज़ इस साल आने वाली हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और मार्जिन्स भी स्टेबल हैं। और हमने 200 डीएमए और डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट भी देखा है। साथ ही साथ हम स्टॉक के एक बार वॉल्यूम्स भी चेक करते हैं। तो वॉल्यूम्स हम देख सकते हैं स्टॉक में लास्ट जो बहुत हाई वॉल्यूम्स हुए थे वो हुए थे अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल पे। तो यहाँ पे 197 का जो लेवल है यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम्स हुए थे, तब ये यहाँ जाके इसने टच किया था और फिर ये हमने देखा ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन जो रीसेंट वॉल्यूम्स है वो भी हमारे अच्छे हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन बार बनी है, ये जो ग्रीन बार बनी है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं रीसेंट वॉल्यूम्स से कितने अच्छे हैं। लास्ट जो इसके ऊपर वॉल्यूम्स हुआ था वो केवल ये और ये दो बार हुए थे, नहीं तो इस शेयर में इतनी वॉल्यूम्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक्युमुलेशन हो रहा है इस शेयर का, और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 185 से 190 के जोन्स होंगे जहाँ पे आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, और इसके जो स्टॉप होंगे वो 165 और अप्रॉक्सीमेटली 145 जैसे होंगे। इसके टारगेट्स 246 और 288 जैसे होंगे। तो इसमें आपको देखना है आप कहाँ रिस्क रिवॉर्ड आप अपने फेवर में रख सकते हैं और कितना लंबा आपका टाइम होराइजन है, उस हिसाब से आपके रिवॉर्ड बनेगा और रिस्क बनेगा। लेकिन फंडामेंटली भी हमने देखा है कंपनी अब अच्छा कर रही है, हमने सब फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, टेक्निकली भी हमें अच्छी लग रही है। साथ ही साथ इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है और ऑटो सेक्टर में भी रिकवरी आ रही है एज अ होल, तो इसलिए अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये जंप कर सकते हैं स्टॉक्स। तो इस स्टॉक पे अपनी निगाह बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।